हाय गाइस, आई एम रितिका। तो गाइस, आज मैं दोपहर से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले वाले व्लॉग में आप सबको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सुबह तक भी ठीक नहीं थी, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मैंने अभी से व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि अभी मुझे आप सबको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। जैसा कि आप सब भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, तो मुझे इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि मैंने क्लास 11th में अपना स्ट्रीम चेंज करवा लिया। और इससे पहले मैंने व्लॉग बनाया था, व्लॉग नहीं, मिनी व्लॉग या व्लॉग जो भी आपने देखा हो, वो मैं बनाई थी इस चीज़ पे कि मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है 11th में। आप सब कौन से स्ट्रीम से हो, तो अब मैं बता रही हूँ कि मैंने अपने स्ट्रीम चेंज करवा लिया। अब आप लोग के मन में बहुत कुछ उठ रहा होगा कि उस स्ट्रीम चेंज करवा लिया। तो गाइज, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि मैंने क्यों स्ट्रीम चेंज करवा लिया। मतलब पापा, मम्मी, दीदी, भैया सब ने मुझे अलाउड किया था कि तुम कोई सा भी स्ट्रीम ले लो, चलेगा। कॉमर्स, देखो सारे स्ट्रीम अपनी अपनी जगह पे बहुत हार्ड होते हैं, तो इसको मुझे कॉमर्स में भी नज़र आया, ह्यूमैनिटीज़ में भी नज़र आया। तो हमारे घर में क्या है ना, जितनी भी लड़कियां ली हैं उन लोगों ने कॉमर्स लिया है, जितने भी भाई लोग ने लिया है वो सब लोग ने पीसीएम ले रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक यूनिक काम कर देती हूँ। और जिस हिसाब से मुझे स्कोप दोनों में अलग अलग नज़र आ रहा था, एंड हाँ यार गाइस, थोड़ा सा तो कॉमर्स हार्ड है ही, ऐसा नहीं है, कॉमर्स भी हार्ड है और ह्यूमैनिटीज़ भी बहुत हार्ड है। बट क्या है ना, मैं थ्योरी में बहुत ज़्यादा तेज हूँ, तो थ्योरी मुझे पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आर्ट्स लूँ, उसमें सारे मुझे न्यूज़ वगैरह उन सब चीज़ों से रिलेटेड मतलब पढ़ने को मिलेगा। और ऐसे अगर मेरे गोल के बारे में पूछा जाए तो मैं गोल तो मेरा यही होगा, मैं यूट्यूबर बनूँ, मैं एक्ट्रेस बनूँ, मेरा यही सब मन है। तो अभी बस 2 साल में मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए, एंड हम लोग तो बस यही चाहते हैं। और आप सबको पता है मैंने 2 दिन में क्या डिसाइड किया है। 2 दिन में मेरी तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन पर घर पर रह के मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक न्यू लैंग्वेज सीखने वाली हूँ। यू नो, न्यू लैंग्वेज मतलब फॉरेन लैंग्वेज सीखने वाली हूँ। फॉरेन लैंग्वेज में मेरे पास बहुत से ऑप्शंस में लैंग्वेज थे, चाइनीज़ था, जापनीज़ था, कन्नड़ था, फ्रेंच था, बहुत सा लैंग्वेज सीखने के लिए था, बट मैंने डिसाइड किया फ्रेंच लैंग्वेज। तो मेरा मन कर रहा है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ अभी इस टाइम हूँ, अभी तक तो क्लास 10th का भी रिजल्ट भी नहीं आया, तो CBSE का रिज़ल्ट नहीं निकला है क्लास 10th का, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मेरा कितना रिज़ल्ट आया क्लास 10th में। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखूँगी, कोई न्यू लैंग्वेज की नॉलेज रखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी तो मैं फ्री ही हूँ, तो अभी मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखने वाली हूँ और मैं आप सबको भी दिखाऊँगी कि मैं कैसे कैसे सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। गाइस, दिखाने से पहले मेरे को बिल्कुल बोल भी नहीं जा रहा, तो मैं भी पानी पी कर आती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप सबको दिखाऊँगी। एक मिनट, जस्ट वेट, मैं थोड़ा वाटर पी लूँ, इससे मेरा गला ठीक नहीं लग रहा मुझे। गाइस, ऐसा नहीं है कि मुझे मेडिसिन नहीं दिलाया जा रहा, मम्मी पापा बार बार बोल रहे हैं मेडिसिन ले लो, बट मैं जल्दी मेडिसिन खाना नहीं चाहती, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि काश गर्म पानी से आराम हो जाए, इधर उधर की चीज़ों से आराम हो जाए, अदरक खाने से आराम हो जाए, गुड़ खाने से आराम हो जाए। अब बेटर लग रहा है। अब मैं आप सबको भी दिखाती हूँ चल के रूम में कि मैं कौन सी लैंग्वेज सीखने के लिए सोच रही हूँ। सो गाइज, जो भी लैंग्वेज है वो मैं आप सब के साथ ही स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं फ्रेंच लैंग्वेज वो भी मोबाइल से ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इतने छोटे से चीज़ के लिए मुझे कोचिंग तो नहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी, आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ने वाली हूँ, एंड मैंने फ्रेंच लैंग्वेज डिसाइड किया है, क्या वो सही है गलत है अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट हाँ कुछ कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो अभी मैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने के लिए सोच रही हूँ, एंड अभी मैं देखती हूँ, तो फ्रेंच लैंग्वेज में देखो ये क्या बता रहे हैं। एंड गाइस, आप सबको पता है मुझे ना बहुत ढेर सारे वर्क भी करने हैं, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में ही आप सबको बताया था कि मैं कल स्कूल नहीं गई थी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से, और मैं वैसे भी 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही हूँ, एंड मुझे बहुत ढेर सारे होमवर्क भी करने हैं। तो अभी मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ क्योंकि इसके लिए भी मुझे टाइम देना पड़ेगा, और अभी तो मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना होमवर्क वगैरह करूँगी, फिर दीदी के साथ मुझे बाहर जाना है मार्केट,
तो अभी हम बाहर भी जाएंगे। गाइस गर्मी चल रही है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था बट मैं अफसोस खा नहीं सकती, मम्मी मुझे मना कर देगी, मेरा गला ठीक नहीं। अभी मैं देखती हूँ कि इसमें क्या बता रहे हैं। क्या क्या इसमें बता रहे हैं, ए को हम क्या बोलेंगे, आवियों, बी को क्या बोलेंगे, बातों, सी को क्या बोलेंगे, सीजो, डी को क्या बोलेंगे, दांदो, ई को इलेफो, एफ को फ्रोमास, जी को जिराफ, एच को इबू, आई को इल। ओ माय गॉड, बाप रे, मैं तो ही सोच के हैरान हूँ कि मैं कैसे पूरा कोर्स करूँगी। लेकिन हाँ, ये कोर्स सिर्फ 15 डेज का है एंड अभी मैं आधे आधे वीडियोस में अपने बोलूँगी भी, आप लोग भी देखना कैसे कैसे मैं बोलती हूँ। तो मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीख रही हूँ, इट वॉज सो मच इंटरेस्टिंग फॉर मी, मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी मुझे बुक्स वगैरह खरीदनी है, मेरे पास काम तो बहुत ढेर सारे हैं, और अभी तो लैंग्वेज सीखेंगे, फिर होमवर्क करेंगे, फिर दीदी के साथ बाज़ार जाएंगे। हाँ, तो अभी मैं अपना एकदम शांति से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती हूँ। देखो गाइस, फाइनली बहुत देर बाद मैंने अभी ये पढ़ाई की है, सिर्फ मैं अभी इसे लर्न करने वाली हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी बस बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड गाइस, अभी ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी पर्सनल चीज़ों के लिए ही लेके सिर्फ फ्रेंच पढ़ रही हूँ, बस जैसे नॉर्मली मैं पढ़ रही हूँ, क्यों हम किसी भी अलग चीज़ों की भी लैंग्वेज जानकारी रखते हैं, किसी अलग लैंग्वेज की भी जानकारी रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि कुछ ऐसा नहीं है कि जॉब की वजह से, जॉब तो ऐसे अगर मैं बता दूँ तो मुझे एक्ट्रेस बनना है एंड इट इज़ माई ड्रीम एंड माई गोल एंड एम, लिए बहुत बड़ा है, मुझे एक बार बस टीवी में आना है, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। तो अभी मैं बस इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, अभी देखते हैं जो भी मिलेगा वो ट्वेल्थ के बाद करूँगी मैं। अभी मैं बस इसी तरह अपनी तैयारियाँ कर रही हूँ और अभी इसी तरह करती भी रहूँगी, और अभी मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए, और मुझे बहुत ढेर सारे होमवर्क भी कंप्लीट करने एंड मैं शाम में अभी दीदी के साथ बाजार जाऊँगी। A few moments later. तो गाइज, अभी दीदी आ गई है, दीदी अभी ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो दीदी आ गई। दीदी अब चलो बाजार के लिए रेडी हो जाते हैं, चलना है ना? नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। नहीं चलना? नहीं, देख सुनना, पता नहीं क्या मन नहीं कर रहा, कल चलते हैं। अरे मैं यहाँ पे पूरी प्लानिंग में हूँ कि हम बाजार चलेंगे। देख सुबह मैंने बोला, हाँ, तो तूने मना कर दिया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा, कल मैं पक्का चलूंगी। कल? अच्छा ठीक है, कल पक्का। कुछ काम नहीं है तुझे आज? नहीं, कोई काम नहीं है। तो गाइज, अभी अभी शाम है, अभी शाम कितने बजे दीदी? 6:30 हो रहा है। 6:30 हो रहा है। मम्मी आज बहुत जल्दी खाना बना रही है, खाना इसलिए बना रही है क्योंकि पापा को जाना है आउट ऑफ स्टेशन, तो मम्मी शायद खाना पहले से ही बना के पापा को टिफिन में देगी, है ना दीदी? मम्मी सब्जी और पराठा बना रही है। ओह, मैं आप सबको भी दिखाती हूँ, क्योंकि पापा को यहाँ भी 7:00 बजे निकलना है थोड़ी देर में, तो जल्दी से पैक करके टिफिन तभी तो निकलेंगे ना लेट वाली सीरियल, और वैसे मैं मन भी नहीं कर रहा जाने का। अच्छा हाँ, मम्मी के लिए चाहिए ना फिर? हाँ हाँ, पापा चले जाएंगे और फिर अभी हम लोग भी चले जाएंगे तो सही नहीं होगा अभी, इसलिए कल चला जाएंगे। हाँ यस। तो ये देखो गाइज, मम्मी यहाँ पे आज 6:30 बजे खाना बना रही क्योंकि पापा को जाना है आउट ऑफ स्टेशन, तो मम्मी आज पराठा बना रही है पापा को देने के लिए। हाँ, पराठा बना रही है, और मम्मी देखो यहाँ पे ऑलरेडी सब्जी बना के रखी है, ये है आलू परवल की सब्जी, हो टेस्टी टेस्टी सा यम्मी सा पराठा बन रहा है, मम्मी आज रात में भी खाना नहीं बनेगा, है ना? नहीं, बन गया। ठीक है, यस यस।
देखो शाम है और मैं हमेशा बोलती हूँ शाम में हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तो मैं शाम में देखो आज मम्मी कुछ बनाई नहीं थी शाम में ब्रेकफास्ट, क्योंकि पापा के लिए पराठा सब्जी बनाना था, तो मैं भी लेके आ गई हूँ अपना पीनट बटर। जब मेरे पास कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं होता तो सबसे फेवरेट मेरा ब्रेकफास्ट बन जाता है ये पीनट बटर। दी तुझमें चाहिए है? तुम्हें चाहिए तो तुझे भी सब्जी पराठा खा लेना चाहिए था ना। हाँ ये बात है, लेकिन पर मन नहीं कर रहा था ना दीदी, शाम में भी तो वही खाना है। अच्छा ये मन कर रहा है ये तो मेरा ब्रेकफास्ट है वो भी फेवरेट वाला। अच्छा चल खाने में टोकूंगी नहीं छोड़। अच्छा तुम्हें चाहिए? हाँ दे दो। लो एक ही पे लगा के चाहिए? हाँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भी मौसमी का जूस भी पीना है यार, इसलिए मौसमी का जूस पीना है। हाँ मेरे को तो जुकाम हुआ है इसलिए तो मैंने तेरा नाम नहीं लिया। कोई बस बोली मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ अपना इवनिंग का ब्रेकफास्ट। और अभी भाई इवनिंग का कौन ब्रेकफास्ट इतने लेट से करता है, बट आज मुझे लेट हो गया, कोई बात नहीं। अभी आज 7 बजने वाले हैं ना दीदी। और लग रहा मुझे खाना आज 11:30 बजे खाएंगे। कोई बात नहीं लेट से खा लेंगे। हाँ क्या हो गया, इधर लेट हुआ तो उधर भी लेट होगा। तो मैंने यहाँ पे पीनट बटर अपने अच्छी तरीके से लगा दिया इस पे। यार बोलिए अंकल क्या जब जब ब्राउन ब्रेड रहता ही नहीं। हाँ यार कभी अवेलेबल नहीं होता है, दिमाग खराब हो जाता है। एक बार आया भी था खरीदा भी था मैंने, तो देखो जब भी मैं हमेशा उल्टे टाइम पे ब्लॉग बनाने बैठ जाती हूँ है ना, हमेशा जब भी व्लॉग बनाने की बारी आती है तब मुझे व्हाइट वाला ब्रेड दिखाना पड़ता है। गाइस जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना वहाँ ये सब अवेलेबल नहीं है मेरे ख्याल से, थोड़ा दूर जाना पड़ता है और हम लोग ठहरे आलसी तो इतना दूर तो जा नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे देखो ये बटर लगा दिया है, पापा थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं ना। फाइनली मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया था, मैं खाने जा रही हूँ और मैं खा रही हूँ। तो मैं आज अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बाय बाय। हाँ एक मिनट, वैसे हमने सोचा फिर से हम डेली ब्लॉग बनाएंगे, तो वैसे भी हम डेली ब्लॉग बना भी रहे हैं और बस आप सब इन सब को झेलने की आदत डालो क्योंकि अभी हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो हम डेली इसी में ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, बाय बाय बाय।